आसमान जी अम्मी, सुना है कि तुम्हारे साले को पुलिस पकड़ के नहीं गई थी? कौन? अपना फुर्रम? नहीं, अपना फुर्रम। ये कब हुआ? कल ही का तो वाकई। आपको किसने बताया? अब इस बात को तुम रहने दो, ये बताओ कि ये सच है या नहीं। जी, लेकिन ये हुआ क्या था? वो उनके साथ शरीक नहीं था, बस वहां मौजूद था, इसलिए पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। तो क्या आगे झूठ बोल रहे हैं? खुर्रम के जेब से नंबरों की पर्चियां निकली हैं। एक बात बताएं अम्मी, पुलिस के साथ साथ आप भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं? यही समझ लो। तो बहुत बुरी हरकत है, इतनी बदनामी हुई होगी मोहल्ले में। अरे राबिया ने बिगाड़ के रखा हुआ अपने बच्चों को। और कौन बिगड़ गया? बस रहने दो, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। सब जानती हूँ मैं जो सारा हरकतें करती फिर रही है। नहीं प्लीज, आप रहने दे। तुम्हारे अब्बू के सामने बात कर रही हूँ, किसी गैर के सामने तो नहीं कर रही। अरे तो ये अब सारा ने क्या किया? अब्बू कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं। बहरहाल खुर्रम का तो बहुत अफसोस हुआ। आज मजीद जिंदा होता तो उस पर क्या गुजरती? हाँ मैंने उसे समझाया है, अभी बच्चा है वो। क्या खुर्रम बच्चे? तुमसे 10 साल छोटा नहीं है? 2-3 साल का फर्क है तुम में और खुर्रम में। जी अम्मी, वो अपनी इस हरकत से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। हाँ तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। एक बात बताएं, हम खाना खा सकते हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ छोड़ो ये बातें, खामोशी से खाना खाओ।